क्या है ये रत्न और क्या है इनके चमत्कारी उपयोग? क्या वाकई में छोटे से चमकते टुकड़े इंसानी जीवन को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं? क्या वास्तव में इनके धारण करने से मनुष्य अपने मनचाहे गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है? ऐसे ही अनेकों सवालों का जवाब हम पाएंगे हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये रत्न एवं एस्ट्रोलॉजी आपस में संबंधित है। क्या है रत्न? कोई भी वो चीज अथवा वस्तु जो अपनी कैटेगरी में सबसे श्रेष्ठ होती है, उसे ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुषों को नर रत्न कहा जाता है, जैसे पुरुषों में सर्वोत्तम श्री राम, इसी प्रकार मनुष्य द्वारा हाथ, मस्तक अथवा गले में सोने अथवा चांदी के गहनों के सौंदर्य को चार चांद लगाने का श्रेय इन रत्नों को ही जाता है। फ्रेंड्स, सुदूर अंतरिक्ष में विद्यमान स्टार्स, प्लैनेट्स से आने वाली कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करने एवं रिफ्लेक्ट करने की अद्भुत वह कैपेबिलिटी से युक्त ये जेम्स हमारे जीवन सफर में बहुत महत्व रखते हैं। हमारे नवरत्नों में से पांच रत्नों को सर्वश्रेष्ठ पंच रत्नों की संज्ञा दी जाती है, जिनमें शामिल है माणिक्य, नीलम, पन्ना, पुखराज और फाइनली डायमंड यानी हीरा। अन्य चार रत्न हैं हमारे गौमेद, लहसुनिया, मूंगा और मोती। सो फ्रेंड्स, हमारे एस्ट्रो जेम्स के इस सफर में हम जानेंगे इन सभी रत्नों की अद्भुत विशेषताओं के बारे में एंड किस तरह से छोटे छोटे चमकते हुए रत्न अपनी आपा बिखेरते हुए मनुष्य की डिसबैलेंस लाइफ व कमजोर प्लैनेट्स को ताकतवर बनाने की अद्भुत क्षमता से भरे होते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि उच्च कोटि के ये सभी रत्न अधिकांशतः श्रीलंका में उपस्थित बर्मा की प्रसिद्ध खानों से निकाले जाते हैं। जो यदि आप अपने लिए कोई भी रत्न इत्यादि खरीदने जाते हैं तो आपको ज्ञात रहे कि श्रेष्ठ कोटि के रत्न अधिकांशतः बर्मा की खान से ही प्राप्त होते हैं। जब भी पामिस्ट्री अथवा कुंडली के अनुसार यदि हमारा कोई प्लैनेट कमजोर पड़ जाता है अथवा अपना दुष्प्रभाव छोड़ने लगता है तो इंसानी जीवन अस्त व्यस्त होना प्रारंभ हो जाता है। तब ऐसे समय में विद्वान ज्योतिषगण अपने जातकों को उनकी प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग रत्नों को धारण करने की उचित सलाह देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे वीक प्लैनेट्स फिर से ताकत प्राप्त करके हमारे जीवन को पुनः सही मार्ग पर ले आते हैं। जीवन के इस संघर्ष भरे सफर में एक बार फिर से हमें लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं एंड सक्सेस तक पहुँचने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये रत्न जितने प्योर, चिकने एवं दोष रहित होंगे, उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हमारी बॉडी पर डालेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से ये रत्न कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे ह्यूमन बॉडी में उपस्थित वीक प्लैनेट से रिलेटेड एलिमेंट्स को पॉजिटिव करंट भेजते हुए उनको एक्टिव एंड पावरफुल कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप घोर निराश व हताश हुआ व्यक्ति इन रत्नों को धारण करने से एकदम एक्टिव और पावरफुल महसूस करना शुरू कर देता है। एंड जहां उसे पहले से सब कुछ नेगेटिव और डार्कनेस दिखाई दे रहा था, अब उस डार्कनेस को चीरती हुई आशा एवं ताकत से भरी उम्मीद की किरण दिखनी शुरू हो जाती है। अपना दुष्प्रभाव छोड़ रहे प्लैनेट्स भी अब इस व्यक्ति का साथ देना शुरू कर देते हैं एंड अब यही व्यक्ति जो बिना इनके भटक रहा था, अचानक से उसे अपनी सही राह मिल जाती है। वह हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखना शुरू कर देता है, उसके व्यक्तित्व में भी निखार आना शुरू हो जाता है। जो अब तक अनस्किल्ड था, वही व्यक्ति अब इन रत्नों की कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करता हुआ अपने आप को स्किल्ड करना शुरू कर देता है। अंधेरे में खोई हुई अपनी मंजिल उसे अब स्पष्ट दिखाई देने लगती है। पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ यह व्यक्ति अब सबको पीछे छोड़ता हुआ बड़ी तेजी के साथ अपनी सभी स्किल्स का परफेक्ट टाइम पर यूज करता हुआ अपनी सक्सेस के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। रत्नों के इन पॉजिटिव इफेक्ट्स को ग्रहण करके ये व्यक्ति फाइनली अपनी सक्सेस पर पहुंच कर ही दम लेता है। इसके जीवन में बड़े ही चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अपने पुराने निगेटिव व डीमोटिवेटिव चोले को उतार कर एक तरफ फेंक कर ये इंसान अब प्लैनेट्स एंड स्टार्स से आती इन पॉजिटिव कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करके एक पॉजिटिव एंड यूनिक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है एंड हर जगह पॉजिटिव एनर्जी बिखेरता है। ये इंसान अपने संपर्क में आए अथवा आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता और सक्सेस को फाइनली अचीव कर ही लेता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये रत्न इन्हें धारण करने वाले व्यक्ति विशेष को अपने पॉजिटिव गुणों से भर देते हैं। ये कमाल होता है इन रत्नों का, जो सुदूर प्लैनेट्स एंड स्टार्स से आने वाली कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करके उनकी ताकत को कई गुना बढ़ाते हुए अपने धारक को पॉजिटिव एटीट्यूड से बढ़ने की क्षमता रखते हैं। सो एस्ट्रो जेम्स के इस सफर को जारी रखते हुए अपनी आने वाली वीडियोज में हम जानेंगे
इन नवरत्नों के चमत्कारी गुणों के व प्रभावों के बारे में और इनके धारण करने की विधियों के बारे में।